शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकेकनाथं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 2। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोविंदाय नमः। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला, तब वह विलाप करने लगी। हा नाथ, हा पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूँ? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभलती तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पति पिता का श्राद्ध किया आदि कर्म किए। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। उनसे मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमज़ोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुँच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से काँप रही थी, इसी कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे तो इस समय सत्राजित हुए। और हे देवी, तुम ही वह गुणवती हो। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तुम्हारे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। जय श्री कृष्ण।